से ही अल्टीमेट स्टेज के ऊपर हमारा एग्रीकल्चर चला जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं स्टैग्नेशन एंड डिटेरियोरेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अभी मुद्दा यह है कि यह कैसे होगा। फिर से हम लोग तीन प्लेयर्स के अनुरूप देखने की कोशिश करेंगे। एक तो था जमींदार, एक तो था आपकी गवर्नमेंट, एक तो थे आपके मनी लैंडर्स, और साथों साथ हमारा जो था फार्मर। इनके तीन चार के बीच में ये पूरी की पूरी सिस्टम चलती रहेगी। हमको जानना यह है कि ये कैसे हुआ। पहला मुद्दा यह है कि ये कैसे हुआ, उसके पीछे की कहानी ऐसी बोली जाती है कि कोई भी चीज स्टैग्नेट तभी होगी जब इसके पीछे जो आपके सोर्सेज होगे वो आप सप्लाई करना बंद कर दो। जैसे गाड़ी के अंदर आप तेल भराना बंद कर दोगे, ईंधन भराना, तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी। तो सिंपल इसी तरह से आपके एग्रीकल्चर को लेके भी यही होता है कि आपकी एग्रीकल्चर के अंदर आपने पैसे डालना बंद कर दिए। वो पैसे नहीं क्यों डाले गए थे वो हम लोग देखते हैं कि हु आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, द कल्टीवेटर हैड आइदर द मींस नॉर द इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो खेती करने वाला लोग था वो बोलता है कि भाई खेती करनी है लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। दिस गाय, ठीक है, बेचारा गमछा पहना हुआ पूरे पिक्चर के अंदर घूमता ही रहता है और कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे खेती के लिए। दिस वॉज द वन हु वॉज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर एट दैट टाइम, और ये आदमी जो खेती करने वाला था इसके पास पैसे नहीं। दूसरा यहाँ पे जो बीच में आता था वो था जमींदार। द जमींदार हैड नो रूट्स इन विलेजेस एंड ही पेड लिटिल इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। अंग्रेजों ने जो आदमी को अपॉइंट किया था कि भाई साहब आप देखिएगा, आपने ये ऑक्शन के अनुरूप यहाँ पे जो सिस्टम आपने जीता है, जमींदारी अधिकार जीते हैं, तो आप खेती के पीछे ध्यान दीजिएगा, बट ये भाई साहब तो कुछ और करते थे, ये तो शीशे से शीशा टकराया करते रहते थे। सो दिस गाय वॉज बिजी इन सम अदर एक्टिविटीज। इसके कोई खेती कर रही थी, वॉज रियली इंटरेस्टेड, बट दिस गाय वॉज नॉट हैविंग द मनी एंड द गवर्नमेंट स्पेंट लिटल ऑन एग्रीकल्चर। हम लोग देखते हैं कि सरकार 1902-1903 तक आते आते करीबन 70-75 करोड़ रुपया खाली इरिगेशन के पीछे लगाए। इसके सामने अगर आप रेलवे को लेकर कंपेयर करोगे तो 1850s में रेलवे की शुरुआत हुई, 1853 टू बी प्रिसाइज, 1853 से लेके 1902-1905 तक की आसपास उन्होंने करीबन 360 करोड़ रुपए रेलवे के पीछे लगा दिए। अभी आप देखिए कि इंडियन एग्रीकल्चर के पीछे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, इनको तो खाली मजे की लाइफ चाहिए थी। ओके, सो थ्री एजेंसीज विच वर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो एक बंदा जिसको करना है उसके पास पैसे नहीं है, इसको ध्यान नहीं देना, और ये तो कुछ पैसे खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं थे। आज की तारीख में सरकार यहाँ पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर पैसे लगाएगी, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट टाइम डिड नॉट स्पेंड नॉट अ लार्ज अमाउंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, और इसी के कारण इंडिया की एग्रीकल्चर की बंटाधार की है इन्होंने। अगर यहाँ पे इन्होंने पैसे अच्छी तरह से लगाए होते और इसके साथ साथ जब आपकी जमीन के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, जमीन के टुकड़ों के अंदर और फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, तो आपकी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा। ऑल टूगेदर विद द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड रिजल्टेड इन टू स्टैग्नेशन एंड डिटेरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फ्रेगमेशन मतलब कि एक जमीन का टुकड़ा, भुवन के पास 5 बीघा जमीन है, भुवन उसकी नेक्स्ट जनरेशन को, दो बेटे होते हैं तो दोनों को 2.5-2.5 बीघा दे देता है, उसके दो बेटों के और 3-4 बेटे हो जाते हैं तो सबके भाग के ऊपर 50, आप मैंने बताया ना कि आधा आधा बीघा जमीन आएगी। अभी आधे बीघे के अंदर आप कितना एग्रीकल्चर या कितना फार्मिंग कर पाओगे, आप एक महीने तक चल पाएंगे, उतना भी क्रॉप आप डेवलप नहीं कर पाओगे। और जब ये सब चीजें आपके पास ऑलरेडी पैसे नहीं है, इसके साथ साथ आपके जमीन के अंदर इतना फ्रेगमेंटेशन हो गया, और जब ये सब चीजें इकट्ठी हो जाएगी, पैसे पंप नहीं हो रहे, और इसी के चलते आपका एग्रीकल्चर पूरी की पूरी तरह से स्टैग्नेट एंड डिटेरियोरेट हो गया। सो इंडियन एग्रीकल्चर को किस तरह से तोड़ा गया हमने पीछे के क्लासेस के अंदर भी देखे थे, बट ये जो मुद्दा था स्टैग्नेशन कि क्यों रोक दिया गया, रोकने के पीछे का कारण था ईंधन, वो ईंधन था पैसा, पैसे के साथ साथ यहाँ पे जमीन का फ्रेगमेंटेशन हो गया, तो इंडिया का एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए। डेवलपमेंट इन्होंने किया था वो सिलेक्टेड सेक्टर्स के अंदर किया था, वो सिलेक्टेड सेक्टर्स थे आपके कमर्शियल क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स कहते हैं, जो मार्केट के लिए प्रोड्यूस किए जा रहे थे, ना कि आपके हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए।